नमस्कार, मैं राजीव कुमार और आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है हैबिट, जिसको हम हिंदी में आदत बोलते हैं। अब आज का जो वीडियो है वो पूरा हिंदी में ही मैं बनाऊंगा और उसका रीजन ये है कि मेरे बहुत सारे मित्रों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि आप हिंदी पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो उनके नाम पर है और ये आदत डेडिकेटेड टू सारे हिंदुस्तानियों के लिए, बिकॉज ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो सबके अंदर है। हर एक इंसान किसी न किसी आदत से चलता है। तो आज आप जो भी कुछ हो उसका रीजन है आपकी खुद की आदत। चाहे वो आप अमीर हो, चाहे वो आप गरीब हो, चाहे वो आप एजुकेटेड हो, चाहे वो आप अनएजुकेटेड हो, चाहे वो आप शराबी हो, चाहे वो आप जुगारी हो, चाहे वो आप कुछ भी हो, चाहे वो आप अच्छा हो, चाहे वो आप बुरा हो, ये आपकी आदत ही आपको बनाती है और आपकी आदत ही आपको बिगाड़ती है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि भाई आदत अच्छी होती है, बुरी होती है, बट ये आदत आती कहां से है? तो इसको एक बहुत ही सरल और आसान कहानी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूं। तो ये आदत के लिए आप देखिए, हमारे भारत में एक से एक कहानियां हैं और अक्सर अकबर और बीरबल की कहानी हमारे को सुनने को मिलती है। तो एक बार अकबर ने अपने इंटेलिजेंट मंत्री को बुलाया जो कि बीरबल थे, और बीरबल जी से पूछा, बीरबल जी आप ये बताओ, क्या हम बकरी को इसकी आदत को चेंज कर सकते हैं क्या? अगर इसके सामने हरी घास रखी जाए, क्या ये उस हरी घास को खाएगी या नहीं खाएगी? ये सुनकर बीरबल ने बोला, ये तो बहुत छोटी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे को एक महीना दे दो, एक महीने के अंदर मैं इसकी पूरी आदत को महाराज चेंज करके लेकर आ जाऊंगा। बीरबल बकरी को लेकर अपने घर पर गए, उसके सामने घास रखा और हाथ में एक बड़ी से डंडे रखी। उस जब भी वो बकरी घास खाने को आए, उसके मुंह पर बहुत जोर से मारा। बकरी डर के मारे वो पीछे चली जाती। जब भी वो एफर्ट मारता, तब भी वो बीरबल जी उसको मारते। ये कहानी एक महीने तक चला और एक महीने के बाद एक ऐसा समय आया कि बकरी के दिमाग में एक फिट बैठ गया कि भाई अगर मैं घास खाने जाऊंगा तो ये बड़ा पेनफुल होगा, और ये पेन एक ऐसा पेन है जो भैया इस घास खाने से तो बहुत ज्यादा है, तो मैं इस घास को अब तो नहीं खाऊंगा कभी भी, मेरे सामने कितना भी घास रहे। तो बीरबल जी लेकर गए महाराज के राज्यसभा में और वहां पर प्रस्तुत किया। महाराज ने बोला अपने लोगों को कि भाई हरी घास लेकर आओ। हरी घास लाकर उनके सामने रख दिया गया, बट बकरी जैसे ही देखी घास को, वो तो सोचा कि खाएं, बट बीरबल जी की लकड़ी देखकर, डंडी देखकर उसने मना कर दिया, वो पीछे हट गया, क्योंकि उसको ये याद आ गया कि भाई घास खाना पेनफुल होता है। ये चीज हमारे साथ भी होता है, हम इंसानों के साथ भी होता है। हम बचपन से सुनते आते हैं कि भाई पैसा बुरी चीज है। बहुत सारे लोग जिसके पास पैसा नहीं हो बोलते हैं पैसे वाले बुरे होते हैं और पैसा कमाना नहीं चाहते, इसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती है, कम गरीबी तो कमती नहीं उससे, राइट? और ये आदत एक बार में नहीं बनती है कि आप एक बार आपने सब कर लिया, आपने एक बार दारू पी ली, आप दारूबाज बन गए। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। आपने एक बार सिगरेट पी लिया, आप भैया आप आपकी आदत बन गई सिगरेट पीना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उस आदत को एक बार आप यूज करते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, जितनी बार आप उसको दोहराएंगे वो आपका आदत धीरे धीरे, एक्चुअली इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपकी आदत एक बार में किसी चीज, चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, और जो भी आपकी आदत बन चुकी है आप उसको, गुड न्यूज ये है कि आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं। उस चीज को चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी बुरी आदत है उसके साथ एक अच्छी आदत को जोड़ दें। बस जो भी बुरी आदत है उसके साथ एक अच्छी आदत को जोड़ दें। स्लोली स्लोली इस आदत को आप
पानी डालना, नर्चर करना चालू करें, आपका ये आदत धीरे धीरे डिमिस हो जाएगा और ये आदत जो है स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज आपके न्यूरॉन्स बार बार कनेक्ट होंगे और जो चीज आप रिपीट करते हैं वो आपका एक पेटेंट बनकर आपके दिमाग में एक स्टोर जो इजिली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो ये है आदत। सो आज आप जो भी हो, जहां पे भी हो, वो आप अपनी आदत की वजह से हो। अगर आपको वहां से और आगे ग्रो करना है और आपको तरक्की हासिल करनी है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, अपनी थोड़ी सी आदत को चेंज करनी है, उसमें थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करनी है और जैसे ही आप फाइन ट्यूनिंग करेंगे आप देखोगे कि आपकी आदत अमेजिंग रिजल्ट लेकर आपके सामने आएगी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं राजीव कुमार आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव सोचिए, आनंदमय रहिए। धन्यवाद।